यूपी के हाथरस में एक 19 वर्षीय महिला के साथ, यानी कि आप कह सकते हैं बच्ची के साथ, इतनी बर्बरता से बलात्कार किया गया और उसके बाद उस युवती की मृत्यु हो गई। लेकिन सबसे अचंभित करने वाला वाक्य तब हुआ जब यूपी पुलिस ने आधी रात को उस युवती के शव को पेट्रोल छिड़ककर जला दिया, परिवार वालों को अंतिम दर्शन तक नहीं करने दिए गए। आखिर यूपी में ऐसा क्या चल रहा है, क्यों ये नौबत आ गई कि रात को 2:30 बजे उस युवती का अंतिम संस्कार करना पड़ा, आज इसी सब पर चर्चा करेंगे हम। चर्चा करने के लिए इस समय मेरे साथ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जम्मू प्रोविंस की अध्यक्षा नम्रता शर्मा हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। नम्रता जी, कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे बचेगी बेटी, ऐसे पढ़ेगी बेटी? सबसे पहले तो मैं घोर निंदा करती हूँ इस जघन्य अपराध का जो यूपी की एक हाथरस की बेटी के साथ हुआ। आज जब 21वीं सदी का भारत है और हम इस तरह की अगर घटनाएं देखें जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, ये बहुत शर्मनाक घटना है जिसके कारण मुझे लगता है हर एक का सिर झुक जाता है शर्म से। आज के वक्त में जब हम कहते हैं कि बेटियों का बराबर का हक है, वहाँ इस तरह के कृत्य किए जाते हैं और दुष्कर्म किए जाते हैं, और फिर हमारे ही जो उनको जिनका जिम्मा है हमें आगे महिलाओं को सुरक्षा का, वही अगर इस तरह से उसमें करेंगे तो ये बहुत शर्मनाक घटना है जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है और अल्फाज कम पड़ जाते हैं ऐसे कृत्य की निंदा करते हुए। बहुत शर्मसार करती हैं इस तरह की घटनाएं अगर बहू बेटियां आज की डेट में भी अगर जी, मेरा एक सवाल है, देखिए जो उसके साथ जो उस युवती के साथ हुआ उसको तो हम बयान भी नहीं कर सकते, लेकिन क्यों, क्या हर बार हाथ में मोमबत्ती लेकर ही इंसाफ मिलेगा, हर बार नारेबाजी की जाएगी तो ही इंसाफ मिलेगा, क्यों नहीं ऐसा कोई कड़ा कानून बनाया जाता? मैं कहती हूँ कि फास्ट ट्रैक कानून बनना चाहिए, 1 महीने के अंदर ऐसे दुराचार करने वाले व्यक्तियों को फांसी पर लटका देना चाहिए, बल्कि सरे चौक पर लटकाया जाना चाहिए ताकि एक मिसाल बन जाए कि इस तरह का कोई कृत्य करेगा तो वो बख्शा नहीं जाएगा। आज के दिन में मुझे लगता है बहुत मजबूत कानून की ज़रूरत है और इस पे कानून अवश्य बनना चाहिए, तभी हमारी बहू बेटियां इस देश में सुरक्षित रह पाएंगी। 25 लाख की घोषणा जो है वो सरकार ने की है कि उस पीड़ित परिवार को दिया जाएगा, और उस बच्ची की माँ ने कहा कि मुझे 25 लाख नहीं चाहिए, बस दोषियों को फांसी दे दीजिए, क्या 25 लाख से किसी का बच्चा वापस आ जाता है? देखिए पैसा कभी भी कंपनसेट नहीं करता किसी चीज़ को, लेकिन इस जो ये घटना हुई है इसमें तो मुझे लगता है कोई माँ कोई पिता ये नहीं चाहेगा कि पैसे से उसको कंपनसेशन दी जाए। कंपनसेशन यही होगी कि दुराचारियों को एक अंजाम तक पहुँचाया जाए ताकि लोगों का ऐसा कृत्य करने से पहले दिल दहले। और मुझे लगता है समाज में कहीं ना कहीं हम पूरे समाज जो लोग हैं जो इस समाज को बनाते हैं उनका कहीं ना कहीं इसमें बहुत एक अहम भूमिका है और हमें उसे निभाना चाहिए। मुझे लगता है हर एक का फ़र्ज़ बनता है कि आज पुरुषों को सिखाया जाए, बेटों को सिखाया जाए कि कैसे अपने घर में बड़ी होती हुई बेटी की बेटी का मान सम्मान रखा जाएगा और कैसे उस मान सम्मान के साथ समाज में बेटी को जीना है। बेटियों को भी अब मुझे लगता है खाली बेलन पकड़ने की जगह आज की डेट में एक ऐसा शस्त्र पकड़ना होगा, शस्त्र मतलब ऐसे इंडिपेंडेंट रहना होगा कि वो पुरुषों से कहीं कम नहीं है, और वो मुझे लगता है आज की डेट में बहुत ज़रूरी है कि ऐसे कानून बनाए जाएं, ऐसी कानून व्यवस्था हो जिसके तहत इस तरह के दोष करने वाले इस तरह के दुष्कर्म करने वाले लोगों को सजा दी जाए। रात को 2:30 बजे शव को जला दिया जाता है, माँ कह रही है कि हल्दी लगाना चाहती थी वो उसके हाथ पर, जिस प्रकार से विदाई अंतिम विदाई देना चाहती, लेकिन वो भी नसीब नहीं हुआ। बहुत गलत किया गया, मुझे नहीं पता कि यूपी में क्या चल रहा है इस वक्त, किस तरह का शासन चल रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले आज इस तरह का एक वहां पे सुनिश्चित किया जाना चाहिए था कि परिवार को उन उस बेटी की डेड बॉडी सौंपी जाए और वो उसका अंतिम एक विदाई कर सकें, अंतिम संस्कार कर सकें। क्यों इस तरह से रात के अंधेरे में, जबकि हमारे हिंदू संस्कृति के में तो बिल्कुल ये एक रात के बिल्कुल एक अपराध है, और सुनिश्चित किया जाना चाहिए उन सरकारी अफसरों को भी कि किसके कहने पे उन्होंने रात के अंधेरे में उस बेटी का अंतिम संस्कार किया और ऐसी विदाई उसे क्यों दी गई। दुष्कर्म तो उन लड़कों ने तो दुष्कर्म किया था, लेकिन ये एक दोबारा उसके साथ एक दुष्कर्म किया गया, ये किसने उनको ऐसी आज्ञा दी, इस पर भी एक कड़ी कार्रवाई और एक कड़े कानून की ज़रूरत है।
देखिए ये एक बहुत ही एक ऐसा कृत्य है, माने कि जब भी इस प्रकार के आपने देखा होगा कि जिस समय दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था तो पूरा देश सड़कों पर था और यहाँ तक लोगों ने कह दिया था कि प्रशासन उसको कोई सज़ा मत दीजिए, उनको कोई सज़ा मत दो, उनको बाइज्जत बरी कर दो, हमारे हवाले कर दो, हम खुद से सज़ा देंगे। लेकिन ऐसा ही कृत्य कुकृत्य जो है वो अब यूपी के हाथरस में हुआ है, दिल झंझोर देने वाली घटना है और सरकार जो है वो कटघरे में है। विपक्ष कह रहा है यानी कि कांग्रेस कह रहा है कि पिछले 16 दिन से 14 से 16 दिन तक यूपी सरकार कर क्या रही थी, क्यों नहीं एसआईटी टीम तब बिठाई थी। यूपी सरकार इस समय सवालों के कटघरे में है। आप लोग देखते रहिए आरली पोस्ट, कैमरामैन गगन के साथ देव ठाकुर, जम्मू।